हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभा को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुंभा के बारे में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर समय मिला तो दो, लेकिन कुंभा और मालवा, ऐसा क्या कारण था कि मेवाड़ और मालवा के बीच में दोस्तों हमेशा विवाद का कारण बना? तो अगर इस विवाद के कारण को देखें तो हम दो तीन भागों में लेंगे। दोस्तों, सबसे मुख्य कारण था एक दूसरे का शक्तिशाली होना और साम्राज्य विस्तार। तो मुख्य कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार। और इस साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करते थे? एक दूसरे के विद्रोहियों को ये शरण देते थे, ठीक है, और एक दूसरे के दुश्मन को दोस्त बनाकर एक दूसरे पर हमला करते थे। जैसे कि मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि की थी, तो इस प्रकार के विद्रोहियों का साथ देते थे। लेकिन मुख्य कारण क्या था? अब इसमें भी जो मेन कारण था दोस्तों, मालवा और इसके बीच में विवाद, तो दो थे। एक तो गागरौन का दुर्ग, गागरौन का दुर्ग जो इनके बीच में मुख्य विवाद का कारण था। दूसरा था मांडलगढ़ का दुर्ग। दोस्तों, मांडलगढ़ का दुर्ग, ये दुर्ग हमेशा देखना, इस दुर्ग पर हमेशा बूंदी का अधिकार था और बूंदी से मेवाड़ इसको छीन ले रहा था, इसलिए बूंदी का शासक हमेशा मालवा के शासक बना था। तो ये कुछ देखना जो मुख्य कारण था, गागरौन, साम्राज्य विस्तार और एक दूसरे के जो दुश्मन थे उनको दोस्त बनाकर एक दूसरे पर हमला करना, और सबसे मुख्य कारण रहा एक दूसरे के शरण देना। देखना, जब यहां पर मैं दो बातें करता हूं, जब मालवा का शासन हसन का उर्फ अल्प खां था तो उसका पुत्र उमर था। कौन था? उमर खां। और इसका जो सेनापति था वह महमूद खिलजी था। अब दोस्तों, जो हसन खां उर्फ अल्प खां की मृत्यु हो गई तो इसका जो सेनापति था वो शासक बन गया, और इसका पुत्र था जो शासक बनने के लिए कुंभा के पास शरण ले लिया, कुंभा के पास शरण ले। तब कुंभा ने इसको शासक बनाने के लिए, दोस्तों आपको ध्यान होगा, 1437 में सारंगपुर का युद्ध किया, सारंगपुर का युद्ध किया, और इस युद्ध में कुंभा विजय हुआ और महमूद खिलजी पराजित हुआ और उमर को यहां का शासक बना दिया। कहां का? सारंगपुर का। लेकिन शासक बना के जैसे ही कुंभा वापस चित्तौड़ लौटा तो महमूद खिलजी ने उमर को पराजित कर और उसकी हत्या कर दी और सारंगपुर को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। तो इस प्रकार जो एक दूसरे की शरण लेते। दूसरी चीज बता दूं मैं आपके कि मेवाड़ के कुछ शासकों को शरण देता था वो, मेवाड़ के कुछ। अब मेवाड़ देखना, जब कुंभा ने उमर को शरण दी तब मालवा के शासक महमूद खिलजी ने देखना मौकल के हत्यारे, सबसे पहले चुंडा जो हंसाबाई की शक की वजह से वहां चला गया था, इसको शरण दी। दूसरा, मौकल के हत्यारे महपा पवार और अक्का को दी दोस्तों शरण दी। फिर कुंभा के स्वयं के भाई जो बड़ी सादड़ी से विरोध करके चला गया था, खेमकरण को शरण दी। तो इस प्रकार एक दूसरे के दोस्तों को शरण देने, विद्रोहियों को शरण देना भी इन दोनों के बीच में मन मुटाव का मुख्य कारण रहा था। अब सारंगपुर युद्ध में जब महमूद खिलजी को पराजित किया था और कुंभा इस समय हाड़ौती में था, तब देखना महमूद खिलजी फायदा उठा था और कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करता। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज को विस्तृत बताता हुआ चलता हूँ कि कैसे क्या था। देखना दोस्तों, अब क्या होता है इनके बीच में, देखना सबसे पहले ये करता है कुंभलगढ़ पर आक्रमण। कौन? कुंभा ने, यहां पर मालवा का शासक है, कुंभा और मालवा के बीच में। कुंभलगढ़ पर कब हमला करता है महमूद खिलजी? 1442 में हमला करता है। और इस दुर्ग का जो अधिकारी था वह दीप सिंह था। दीप सिंह लड़ते हुए मारा जाता, लेकिन मालवा का शासक महमूद खिलजी यहां पर बाण माता के मंदिर को नष्ट कर लेता है। बाण माता का जो मंदिर होता है उसको नष्ट कर देता। बाद में कुंभा इस मंदिर को ले जाके दोस्तों, इसको अन्नपूर्णा मंदिर जिसकी स्थापना हमीर ने की थी, जीर्णोद्धार किया था हमीर ने, बापा रावल के समय महालक्ष्मी मंदिर था और जीर्णोद्धार के रूप में वो जो हुई थी
वो अपने अन्नपूर्णा माता के। इस मंदिर को भी ये बाद में चित्तौड़ दुर्ग में लेके चला जाता कौन, कोमाजल इस पर हमला करता। लेकिन इसी हमले में जो महमूद खिलजी को पता चलता है कि मंदसौर के अंदर इसका पिता जो हुमायूं आजम होता है, आजम हुमायूं, वो मारा जाता तो तुरंत यहाँ से मालवा लौट जाता है। तो इस प्रकार कुंभलगढ़ के दुर्ग में ये आक्रमण करता। इस समय जब ये कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करता तो स्वयं कुंभा हाड़ोती में होता, लूटपाट कर रहा होता, धन इकट्ठा कर रहा होता। तब कुछ समय बाद दोस्तों देखना, इसको जब वो जीत नहीं पाता महमूद खिलजी, तो 1444 के अंदर दोबारा वो गागरौन पर आक्रमण करता है, गागरौन पर आक्रमण करता है। और यहाँ का जो शासक होता है वो दोस्तों होता है पालन सिंह, जो 1423 में अचलदास खींची के समय जो पहला शाखा होता है यहाँ पर दूसरा शाखा होगा दोस्तों। ये कुंभा का भाणेज था और अकस्मात वो कुंभा को बिना जानकारी प्राप्त हुई यहाँ पर अकस्मात हमला करता है जिसमें पालन सिंह मारा जाता है। कुंभा अपनी सेना दाहिर के नेतृत्व में भेजता है, जब दाहिर वहाँ पर पहुँचता है तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है और इस प्रकार वो जो है गागरौन पर अधिकार हो जाता है और गागरौन का दूसरा शाखा भी हो जाता है। फिर देखना, मैंने कहा ना बूंदी, इस समय कुंभा ने मांडलगढ़ दुर्ग को अपने प्रयास में कर दिया। तो ये 4648 में, 4648 में ये जो है महमूद खिलजी है वो मांडलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता, लेकिन इसको जीत नहीं पाता। मांडलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता तो वो इसे जीत नहीं पाता, और जब वो जीत नहीं पाता दोस्तों, अब देखना यहाँ पर भी कुंभा हाड़ोती में था पीछे से आक्रमण करता, यहाँ कुंभा चित्तौड़ में था पीछे से आक्रमण करता, मांडलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता तो कुंभा मौजूद रहता, इसको जीत नहीं पाता। तब ऐसी परिस्थिति में एक तरफ देखना, दोनों तरफ, एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुजरात का वो भी आक्रमण कर रहा था और मालवा का शासक महमूद खिलजी भी निरंतर आक्रमण कर रहा था। जब दोनों शासक जीत नहीं पा रहे थे, दोनों के बीच में कुंभा के खिलाफ एक गठजोड़ होता है जिसे इतिहास में चंपानेर की संधि कहते हैं और कुंभा के विरुद्ध में होती है। तो उसको बताता हूँ मैं कि उसके तहत कैसा होता दोस्तों। ओके, अब देखना उसमें क्या होता दोस्तों कि जब जीत नहीं पाता तो चंपानेर की संधि होती है, चंपानेर की संधि 1456 में, और ये किसके विरुद्ध होती है, ये विरुद्ध होती है कुंभा के विरुद्ध होती है। कौन कौन करता है, मालवा का महमूद खिलजी प्लस गुजरात का कुतुबुद्दीन, ये काम का होता है गुजरात, इन दोनों के बीच में ये संधि होती है। तब संधि में यह तय होता है कि मैं पूर्व से आक्रमण करूंगा और तू दक्षिण से, यानी कुंभलगढ़ की दुर्ग सी ओर से, ये इनमें समझौता होता है दोस्त। इस समझौते के तहत हम मालवा पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखना यहां पर मैं अजमेर की बात बताता हूं दोस्त। अजमेर की जनता, ज्यादातर जनता मुस्लिम थी और यहाँ का जो दुर्गपति था वो गिरधर सिंह था। अजमेर का दुर्गपति कौन था, गिरधर सिंह दोस्तों। ओके, दुर्गपति गिरधर सिंह था और यहाँ पर अधिकतर जनता कैसी थी, मुस्लिम थी, इसलिए यहाँ की जो जनता थी वो कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ का जो दुर्गपति वो गिरधर। तब यहाँ की जनता महमूद खिलजी को आमंत्रित करते और संधि हो चुकी थी चंपानेर की, तो इसके तहत वो आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करने के बाद महमूद खिलजी यहाँ पहुँचता और गिरधर सिंह लड़ता लड़ता हुआ मारा जाता है और 1456 में इस अजमेर पर यहाँ का इसका अधिकार हो जाता है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों इसी समय 1456-57 में जब इसको जीतता तो लौटता हुआ वो मांडलगढ़ दुर्ग पर हमला करता है। किस पर करता है, मांडलगढ़ दुर्ग पर हमला करता है और यह हमला बहुत जबरदस्त होता है। इसमें वो एक मंदिर को भी तोड़ लेता है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बना लेता है, ठीक है ना। लेकिन कुंभा भी इसका बड़ा जबरदस्त सामना करता है, ये कहता मेरे विजय हुई और कुंभा कहता मेरे विजय। तो कुंभा यहां पर एक मंदिर भी बनाता है दोस्तों, उस मंदिर का नाम है कुशाला माता का मंदिर दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज थी दोस्तों मालवा और कुंभा के बीच में। लेकिन 58 के बाद देखना, 56-57 पर अंतिम में मांडलगढ़ दुर्ग पर हमला करता मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम,
इसको पूरी तरह से जीत नहीं पाता, लेकिन जीत एक दूसरे की बताते हैं। कुंभा कुशाला माता का मंदिर भी बनाता है यहाँ पे विजय के उपलक्ष में। 58-59 के बाद मालवा और मेवाड़ के बीच में इतने कम आक्रमण हो जाते हैं। इस प्रकार एक तरीके से मांडू का जो शासक होता मेहमद खुलजी वो इसको छोड़कर चला जाता दोस्तों। तो ये था दोस्तों मालवा और कुंभा के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण। तो मैंने बता दिया कि मुख्य संघर्ष इनके बीच में गागरौन को लेकर होता, साम्राज्य विस्तार को लेकर होता, लेकिन कुंभा से जीत नहीं पाता महमूद खिलजी। इस प्रकार ये तो ये आपको किसी भी दृष्टि से पूछे दोस्तों कि कुंभा और मालवा के बीच में क्या समझौता, तो इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा दोस्तों। यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। नमस्ते।